हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है फलों पर या फलों की उपयोगिता पर हिंदी निबंध। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। फल प्रकृति का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। हर प्रकार के फलों के पेड़ अलग होते हैं और कई प्रकार के फल गुच्छे में भी आते हैं। कुछ फल सदाबहार होते हैं तो कुछ मौसमी फल होते हैं। सभी प्रकार के फलों के रंग, बनावट और स्वाद भी अलग अलग होते हैं। कुछ मोटे होते हैं तो कुछ गोल। कुछ फलों को हम छिलके उतारकर खा सकते हैं तो कुछ फलों को छिलके सहित ही खा सकते हैं। फल पेड़ों पर या बेलों में उगते हैं। फल मीठे होते हैं। हर एक फल में खास गुण होता है। कई फल गूदेदार होते हैं जो खाने में बहुत नरम होते हैं। कई फलों में भरपूर मात्रा में पानी होता है। फलों में बीज होते हैं, उनसे कई पौधे तैयार किए जाते हैं। फलों से जैम, जेली, जूस, शेक, आइसक्रीम आदि बनाए जाते हैं। फलों का जूस और फल दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। फल हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़कर हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। फलों में कई तरह के मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, आयरन आदि मिलते हैं। फलों को खाने से शरीर और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। फल खाने से पाचन तंत्र सही रहता है, त्वचा खूबसूरत होती है, अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलता है, रक्त संचार भी बढ़ता है और इम्यूनिटी अच्छी रहती है। फल खाने से ताकत आती है। फल हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं। आम को फलों का राजा कहते हैं। कुछ फल बहुत महंगे और कुछ सस्ते होते हैं। ताजा और धुले हुए फल ही खाने चाहिए। फल सभी को पसंद होते हैं। Thanks for watching.